महाराज परिचित कहते हैं गलियों जी कहिए महाराज। तुम सारी बातें जोड़ो, तब मैं ये बता कि तुम्हारे अंदर कौन सा गुण है, कोई गुण? बोले महाराज है गुण। क्या है? तो कलियुग कहता है महाराज ने बताओ। सबसे बड़ा गुण एक है कि कलियुग परमात्मा का नाम ले लिया तो वो भी भवसागर से पार हो जाता। और बताएं, सतयुग त्रेता द्वापर में अगर तुमने किसी के प्रति अपने हृदय में गलत कुछ सोच लिया तो वो मनसा पाप लग जाता था, और मेरे राज्य में ऐसा कुछ भी नहीं। तुम दूसरे के प्रति कितना भी सोचो, कितना भी सोचो, मनसा पाप नहीं लगने वाला। कब तक नहीं लगेगा? जब तक तुम उस पाप को किसी दूसरे से कहोगे नहीं तब। और इस तरीके से ब्रह्मा जी ने सतयुग त्रेता द्वापर को रचा है, उस तरीके से हमें भी बनाया है। आपने हमें मार दिया तो फिर ब्रह्मा जी की आंख टूट जाएगी। अब फैसला आपके हाथ में, आप हमें मार रहे हैं या फिर छोड़ रहे हैं। तो महाराज परीक्षित ने यह सुना, कलियुग को मारने से ब्रह्मा जी की आंख टूटेगी। एक बात कही है कलियुग, हम तुम्हें मारेंगे नहीं। तो कलियुग कहने लगा, महाराज यही तो मैं चाह रहा हूं, लेकिन आप तो मान ही नहीं रहे। एक बात है, क्या? तुम हर जगह नहीं रहोगे, कहां रहेंगे? बोले मैं जगह बताऊंगा, उस समय रहना पड़ेगा। बोले महाराज कोई बात नहीं, आप हमें जगह बता दीजिए। तो परिचित समझाते हैं, जिस जगह जुआ की बात हो, और छोटी लतोलियां चलती हो, yeah।
बता रहे हैं उसकी जगह तो जवाब दिया है कलियुग जिस जगह पर वैश्याएं रहती हो, भाई का दुश्मन भाई हो, जहां पर पंच अन्यायी हो, गुरु का कोई सम्मान न हो, भगवान का कोई नाम न हो, तुम इस जगह रहो। कलियुग कहता है महाराज आपने हमें जगह तो बहुत बता दी। बोले इसीलिए तो बता दी बड़े आराम जरा। लेकिन का क्या मतलब? आपने कोई ऐसी जगह नहीं बताई जहां हम थोड़ी देर बैठ के आराम भी कर लेते? अरे हम तो कभी इधर तो कभी उधर भागते ही रहेंगे, बैठेंगे कहां? महाराज एक जगह और दे दीजिए ना। तो महाराज परिचित ने यह कह दिया, कलियुग तुम सोने में निवास करो। और जब ये कहा सोना में निवास करो, पृथ्वी अपने भेष में आती है, धर्म अपने भेष में। अब कलियुग ने देखा हम कहां जाएं? क्या देखा महाराज? परिचित के सिर पर सोने का मुकुट है। कलियुग ने सोचा इधर उधर खाए को भागोगे। हाँ, हुआ क्या? अरे कलियुग छोटो रूप बनाया, मुकुट देखी चरिया